भागलपुर में चिराग पासवान ने जनसभा को किया संबोधित। लोजपा प्रत्याशी के हक में मांगे वोट, नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल मुजफ्फरपुर में रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने की जनसभा, पार्टी के प्रत्याशी के हक में की वोट देने की अपील। वहीं विपक्ष पर उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर साधा निशाना। हमने देखा भारत सरकार में मंत्री डाले हुए छोटा छोटा राज्य वहाँ के सरकारी स्कूल में दिल्ली की अच्छी पढ़ाई होती, और दिल्ली शहर में भी कौन सा लोग रहते हो वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती। जब सिक्किम और दिल्ली के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो क्या बिहार के बिनापुर के गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है क्या? मुजफ्फरपुर में बड़ा अपराधियों का आतंक, दिन दहाड़े कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नहीं थे वहाँ पर, क्या घटना वो पता चला है, मतलब दो आदमी आया नकाब में हेलमेट पहन कर बाइक से आया था, गोली मारा फिर चला गया। छपरा में सांसद मनोज तिवारी ने जनसभा को किया संबोधित, भाषण के दौरान विपक्ष पर किया वार। वहीं गाना गाकर प्रत्याशी के समर्थन में की वोट की अपील। मुजफ्फरपुर जिले के कुल 11 विधानसभा क्षेत्र के दूसरे व तीसरे चरण के 3 व 7 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर मतदाताओं को किया गया जागरूक। मैराथन का आयोजन कर किया गया जागरूक। प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी आयोजित हुआ है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हम लोग सभी हमारे मतदाता जो जिले के हैं उनको मैसेज दिए हैं और उनको जागरूक किए हैं कि वो लोग 3 तारीख को और 7 तारीख को जो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है उसमें बड़ी संख्या में बाहर निकलें, अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। मुंगेर हिंसा को लेकर राज्य के कई जिलों में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन का दौर। मोकामा के हाथीदह में सैकड़ों युवाओं ने निकाली बाइक रैली। रैली में मुंगेर एसपी लिपि सिंह के खिलाफ की सख्त कार्रवाई करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कहा है जब तक नहीं मिल जाता इंसाफ तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म पर इतना बड़ा आघात बिहार के मुंगेर में हुआ है और वहाँ की एसपी साहिबा ने और डीएम ने जो बर्बरता किया है हिंदुओं के साथ उसे हम लोग कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमें न्याय चाहिए, भारत के हर एक हिंदू हर एक सनातनी को न्याय चाहिए।